नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी और आप देख रहे हैं राजनीति। आज हर सियासतदान को राजनीति की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। सियासत की संवेदना मर चुकी है। बाराबंकी के रामनगर में हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बीजेपी के नेता चेहरा चमकाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब एक को बोलने नहीं दिया गया तो दूसरा बच्चों की तरह चीखने लगा। यह उस इलाके का हाल है जहां के लोग भूख से तड़प रहे हैं और खुद सीएम उनकी मदद करने पहुंचे थे। हमारी विधानसभा है, तुम बैठ रहे हो, हमका बुला नहीं रहे तो हम ना बोले थे पहले। यूपी की लाखों आबादी डूब रही है, बाढ़ में फंसे लोग दाने दाने को मोहताज हैं और बीजेपी के बहादुर राजनीति चमकाने में जुटे हैं। बाढ़ पीड़ितों के दर्द उनकी भूख से ज्यादा जरूरी हो गई है राजनीति। यकीन नहीं होता तो राजनीति के लिए गिर चुके नेताओं के बोल सुनिए। जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे खुद जाकर सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि पुल के संबंध में माननीय योगी जी को प्रस्ताव दिया गया, आपका मांग पत्र जल्द से जल्द पुल, कुछ उसमें जो प्रस्ताव गया था कुछ लंबाई कम है, लंबाई बढ़ा करके एस्टीमेट बन जाएगा और सेतु निगम के भी अधिकारी साथ में आए थे तब घोषणा की जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। शरद भाई एक मिनट जाइएगा। अरे भाई एक मिनट जाइए, एक सेकंड मंत्री जी, हमारी विधानसभा है, तुम बैठ ले रहे हो, हमका बुला नहीं रहे तो हम ना बोले थे भाई। हाँ हम तो बोले, बोले भाई हो कोई जना भी प्रभारी मंत्री चाहे सांसद भी हो, हम मंच से बोल रहे थे जो हमको वहाँ बुलाइए, हमारे बिना बैठ रहे तो क्या मतलब है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम बोले थे एक मिनट भी। सियासत चमकाने में संवेदना खो बैठे नेता, भूख से तड़पते लोगों का अपहास उड़ा रही राजनीति, माइक पर बोलने को बेताब है बहादुर, बाढ़ में बह रहे लोगों की नहीं है फिक्र। सबको सियासत चमकाने की पड़ी थी, सबको माइक पर बोलना था, मौका था, मंजर भले ही दर्दनाक हो लेकिन राजनीति का दर्द तो जैसे मर चुका था। चंद मिनटों पहले इसी इलाके में सीएम योगी आए थे बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने। पता नहीं मरहम लगा पाए या नहीं, लेकिन कैमरे ने जिसको भी देखा उसे घायल ही देखा। उनके जाते ही नया ड्रामा शुरू हो गया। एक नेता ने बोलना शुरू किया तो दूजा उससे भी जोर से बोलने लगा ताकि पहले की आवाज दब जाए। गौर से देखिए, शर्म खोती सियासत के सारे किरदारों को, सारे के सारे बीजेपी के थे। जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे खुद जाकर सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से अनुरोध है अपने हाथ से पुल के संबंध में माननीय योगी जी को प्रस्ताव दिया गया, आपका मांग पत्र जल्द से जल्द पुल, कुछ उसमें जो प्रस्ताव गया था कुछ लंबाई कम है, लंबाई बढ़ा करके एस्टीमेट बन जाएगा और सेतु निगम के भी अधिकारी साथ में आए थे तब घोषणा की जाएगी। राजनीति के लिए किसी भी हद तक उतर जाने वाले इन किरदारों से आपका तारुफ कराते हैं। मंच से जोर जोर से किसी किसी रूठे बच्चों की तरह बोलने वाले शख्स का नाम था शरद अवस्थी और दूर मीडिया के सामने बयान दे रहे शख्स थे दारा सिंह चौहान, बाराबंकी के प्रभारी मंत्री, और उनके साथ खड़ी थी इसी इलाके की सांसद प्रियंका रावत। सब सीएम के कार्यक्रम में रामनगर पहुंचे थे, सीएम भी आए थे बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने। गिने चुने लोगों के बीच राहत की पोटली बांट दी गई, ज्यादातर मुंह ताकते रह गए और सीएम लखनऊ के लिए उड़ गए। अब बाढ़ पीड़ित कंफ्यूजन में अपनी व्यथा सुनाए तो किसको। तब तक ये झगड़ा शुरू हो गया कि किसका इलाका और कौन बोलेगा। हमारी विधानसभा है, तुम बैठ ले रहे हो, हमका बुला नहीं रहे तो हम ना बोले थे पे। हाँ, हम बोले भाई हो। विधायक शरद अवस्थी का अटियोग के आगे प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान को झुकना पड़ा। हालांकि सांसद प्रियंका रावत ने विधायक की हरकत के बाद उन्हें जोर की फटकार लगाई। यूपी के तकरीबन 19 जिले बाढ़ में डूब रहे हैं। बाराबंकी में सीएम के कदम पड़े तो लोगों को राहत की उम्मीद दिखी थी, लेकिन उनसे मिली राहत ऊंट के मुंह में जीरे के फोरन की तरह था। उनके जाते ही बाढ़ पीड़ितों की उम्मीद टूट चुकी थी और झगड़े के बीच वो अपना दर्द किसको सुनाए उन्हें ये तक पता नहीं था। हमारा सब लिस्ट में वहाँ पे गल्ला लेने गए थे तो वहाँ पे कह रहे हैं कि जाओ अब गल्ला नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई लफड़ा हो गया है इसलिए गल्ला नहीं बटेगा, जाओ जहाँ जाना हो तहाँ जाइए आप। हाँ योगी जी बांट रहे थे तो बांट के चले गए, उसके बाद कोई लफड़ा हो गया था, उसके बाद गए थे तो गाड़ी लेके चले गए, लेखपाल भी चले गए, एसडीएम साहब भी चले गए। जब डूबते और मरते लोगों से ज्यादा चिंता चेहरा चमकाने की हो, जब लोगों की भूख से ज्यादा चिंता कैमरे पर दिखने वाली भूख की हो तो विपक्ष को सवाल पूछना पड़ता है।
सीएम योगी चाहे जितना भी अच्छा काम करें, उनके नेताओं की ऐसी ही हरकतें सरकार के 106 कामों पर पानी फेर देती हैं। कैमरे के सामने नेताओं की इन हरकतों ने इतना तो साफ कर दिया है कि इन्हें किसी की जान से ज़्यादा फिक्र अपना चेहरा दिखाने की है। कैमरा पर्सन मसूद अहमद के साथ कामरान अलवी, समाचार प्लस, बाराबंकी। तिरंगा हर हिंदुस्तानी के लिए उसकी जान से प्यारा है, लेकिन शायद बीजेपी के लिए नहीं। उनके लिए पार्टी भक्ति देशभक्ति से ज्यादा ऊपर है। तभी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे से भी ऊपर पार्टी का झंडा फहरा दिया। इसी आजादी पर भयंकर बाढ़ में तिरंगा फहराते हिंदुस्तानियों को भी लोगों ने देखा। अब देखिए तिरंगे से ऊपर पार्टी का झंडा लहराने वाले कथित राष्ट्रभक्तों को। तिरंगे का अपमान, पार्टी का सम्मान। देश के झंडे से ऊपर पार्टी का झंडा, देशभक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं का देशद्रोह कारनामा। पार्टी का झंडा उठाते उठाते देश का झंडा गिरा दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। ये देशभक्त पार्टी के वफादारों की करतूत है। आजादी के दिन पार्टी विद ए डिफरेंस के कर्णधारों ने सचमुच साबित कर दिया कि वो कुछ डिफरेंट है। उनमें देशभक्ति से ज्यादा पार्टी भक्ति आती है। उनकी रगों में देश प्रेम से ज्यादा पार्टी प्रेम ज्यादा बसता है। भले इसके लिए तिरंगे का अपमान ही क्यों ना करना पड़े। तिरंगा लगा हुआ है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, उसके नीचे लगा हुआ, ये सरासर गलत है। किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी और अन्य संस्थान से ऊपर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और ये बहुत ही मतलब शर्मदायक है कि एक बीजेपी कार्यालय में इस तरह से बीजेपी का झंडा ऊपर है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज नीचे है। ये तस्वीरें कौशाम्बी की है। पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे भावनाओं में बह गए कि तिरंगे का तिरस्कार कर डाला। ये झंडा कई घंटों तक यूं ही लहराता रहा, लेकिन किसी को अपनी गलती का भी एहसास नहीं हुआ। रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स इसे देखकर अफसोस करता रहा, उन कार्यकर्ताओं को लानत भेजता रहा, लेकिन कार्यकर्ता तो आजादी के जश्न में डूबे थे। आजादी का जश्न नाना, पार्टी का जश्न। ये तो राष्ट्र ध्वज का सीधा सीधा अपमान है। तो मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के माननीय सांसद विधायक जी से कि इस तरह की गलतियों को दोबारा भविष्य में कभी ना करें। ये हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान है। देश के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर नियम और कानून बड़े सख्त हैं। उसी कानून में ये भी लिखा गया कि कोई भी झंडा तिरंगे से ऊपर फहराया नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं। बीजेपी के बहादुरों ने इस हरकत से एक बार फिर सबको और पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं की इस हरकत ने विरोधियों को सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया है। मैं जहां तक समझता हूं कि जिस संस्था से भारतीय जनता पार्टी निकलकर आई है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, उसने 52 साल के इतिहास में कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया, अपने नागपुर कार्यालय पे नहीं फहराया, दूसरे तो इनका जो है राष्ट्रीय ध्वज में यकीन कम दिखता है। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का और इस तरह के जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो सिंबल्स हैं, उनका सभी को सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये दोहरी जो नीति है, इसको छोड़कर जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं उनको सम्मान करना चाहिए। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद हैं हमारे लोकतंत्र के लिए। नहीं, पहली बात तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये मतलब ये कल्पना से परे है कि राष्ट्र पहले पार्टी बाद में व्यक्ति नंबर 3 पे आता है। ये हमारी आइडियोलॉजी है और इसमें किसी प्रकार का कहीं भी कोई संशय नहीं होता है। कोई घटना यदि मान लीजिए हुई है तो उसकी जांच पड़ताल करके और पुनः वो घटना ना हो और जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी भक्ति के सामने देशभक्ति को भुला दिया है। राष्ट्रध्वज के अपमान की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वहीं देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने नासमझ कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, कौशाम्बी, समाचार प्लस।
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बाजार सजा है और सपा के कल्लू खुलेआम खरीदारी करने निकले हैं। कल्लू बोली लगा रहे हैं कि एक वोट दीजिए और 25 लाख लीजिए। ये वही कल्लू हैं जो अब तक बाहुबल के लिए जाने जाते थे और अब धनबल के जरिए राजनीति में सीधे एंट्री चाहते हैं। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में घूम रहे खरीदार, पंचायत सदस्यों की लग रही बोली, रुपयों का बैग लेकर घूम रहा कल्लू खरीदार, 25 से 30 लाख में खरीद रहा एक एक वोट। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पैसों का खूब बोलबाला है, पैसे हैं तो आपको वोट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। चुनाव में वोटों की मंडी सी सजी है और कल्लू खरीदार रुपयों से भरा बैग लेकर घूम रहा है। उनकी नजर किसी गिद्ध की तरह हर एक पंचायत सदस्य पर है जो उसे वोट देकर अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा दे। और इसी फिराक में घूम रहा कल्लू खरीदार ने एक पंचायत सदस्य को फोन घुमाया और खुलेआम ऑफर किया, जिसका ऑडियो वायरल हो गया। पूरी कहानी बताए, उससे पहले खुलेआम मिल रहे ऑफर को सुनो। तो आप आदेश करो, क्या करना है? आदेश तो यार हमने बताई थी 50 करना है। अरे भैया तो मान लो ना, सताओ आप जो सब सुनो सुनो, आज जा तो आपको पता ही है 25 उठ के यहाँ से आए, वापस करने पर ये। कब आए हैं? अरे 15 पहले आए थे, 10 हजार आए थे, 25 आए यार। कैसा हम बताया था, हम चुप झूठी नहीं बोल रहा था, आप कोई से पूछ रही हो, हमने सब 25-25 लाख रुपए दे थे। तो यार बात है 30 की, तुम्हारी बात वही है यार। ना भैया नहीं, वही बात हम बताया था आपको, हम बताया थे पूछ रही हो और कितने आप दे दे 20। तो चलो कल तो पूरी तैयारी है, सीधे लखनऊ जाओ। कहाँ जाओ? लखनऊ भैया बुरा हुआ तो कल हम तो यहाँ पर चले चलो, तो मुलाकात हो जाए मानी मुख्यमंत्री जी से बैठ के। अच्छा चलो, हम सवेरे बता दिए जो विचार हो। जनता का वोट बन गया सामान, नुमाइंदे कल्लू को बेच रहे ईमान। दरअसल इस ऑडियो में पंचायत सदस्य को ऑफर करने वाला समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधीर यादव और कल्लू यादव। सुधीर यादव पंचायत सदस्य को उसके लिए वोट करने को कह रहा है। सुधीर यादव उर्फ कल्लू यादव पंचायत सदस्यों को 25 से 30 लाख रुपए का ऑफर कर रहा है। वो सदस्यों को भड़का भी रहा है कि विपक्ष का कोई भी प्रत्याशी आपको पैसे नहीं दे रहा, लेकिन उसे आपको वोट चाहिए। ऐसे में जो भी उसके पक्ष में वोटिंग करेगा वो उसके बदले में 25 से 30 लाख रुपए देगा। तो आप आदेश करो, क्या करना है? आदेश तो यार हमने बताई थी 50 करना है। अरे भैया तो मान लो ना, सताओ आप जो सब सुनो सुनो, आज जा तो आपको पता ही है 25 उठ के यहाँ से आए, भी वापस करने पर ये। कब आए हैं? अरे 15 पहले आए थे, 10 हजार आए थे, 25 आए यार। कैसा हम बताया था, हम चुप झूठी नहीं बोल रहा था, आप कोई से पूछ रही हो, हमने सब 25-25 लाख रुपए दे थे। तो यार बात है 30 की, तुम्हारी बात वही है यार। ना भैया नहीं, वही बात हम बताया था आपको, हम बताया थे पूछ रही हो और कितने आप दे दे 20। तो चलो कल तो पूरी तैयारी है, सीधे लखनऊ जाओ। कहाँ जाओ? लखनऊ भैया बुरा हुआ तो कल हम तो यहाँ पर चले चलो, तो मुलाकात हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठ के। अच्छा चलो, हम सवेरे बता दिए जो विचार हो। वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के मैदान में उतरे कल्लू के चरित्र से इलाके का चप्पा चप्पा वाकिफ है। ये वही कल्लू यादव जिस पर हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं, लेकिन पंचायत अध्यक्ष चुनाव को जीत कर वो अपराध से सीधे राजनीति में एंट्री चाहता है। लिहाजा विपक्ष ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये इस तरह की जो अनैतिक चीज़ें हैं, समाजवादी पार्टी इनमें कोई भरोसा नहीं रखती और नहीं समाजवादी पार्टी इस तरह की चीज़ें करती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें, खरीद फरोख्त की चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी की महारत है और वही कर रहे हैं। और इसके उदाहरण आपने गुजरात में भी देखे और भी जगह आपको देखने को मिले, मणिपुर हो या गोवा हो या उत्तर प्रदेश हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अनैतिक राजनीति में विश्वास करती है और उनका तरीका यही है, उनकी रणनीति भी यही है। मैं समझता हूँ कि हम एक स्वच्छ राजनीति में विश्वास रखते हैं। चुनाव निष्पक्ष हो तभी चुनाव का मायने होता है। चुनाव में यदि उनका ऑडियो इस तरह का आया तो जिला प्रशासन को, चुनाव आयोग को तुरंत जो है इसका संज्ञान लेके वहाँ कैसे निष्पक्ष निर्भीक चुनाव हो, बिना किसी लोभ लालच के हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। और कठोर कार्रवाई ऐसे किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ जो रिकॉर्डेड तो जरूर होनी चाहिए। कल्लू के कारनामे की वजह से पूरा चुनाव गंदा हो गया है। अब तक हम और आप जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खरीद फरोख्त की बातें सुना करते थे, लेकिन अब इसमें मोहर लग गई है। कल्लू पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं और अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि अब कार्रवाई से बचने के लिए कल्लू राजनीति के संरक्षण में आने की तैयारी में है।
औरैया से अपने सहयोगी आशीष तिवारी और कैमरामैन अभिजीत कुमार के साथ हरेंद्र चौधरी समाचार प्लस। गोरखपुर के बाल संगार को लेकर बीजेपी का मात्र संगठन यानी मां नाराज है। संघ इस हादसे के लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेवार मानता है। संघ चाहता है कि यूपी में पश्चाताप का योग बने, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आंकड़ों के खेल में मशगूल योगी सरकार पश्चाताप करेगी क्या? संघ का योगी सरकार पर प्रहार, मासूमों की मौत से मुंह न फेरे सरकार, प्रदेश मांग रहा प्रायश्चित, मां मांग रही प्रायश्चित, संघ भी मांग रहा प्रायश्चित, पाप सरकार का पार्टी करे प्रायश्चित। 64 मासूम मारे गए और सरकार को उनकी मौत का पश्चाताप भी नहीं। एक अस्पताल से 64 मासूमों का जनाजा निकल गया और सरकार की आंखों के आंसू जैसे सूख गए। इसलिए उजड़े कोख के लिए, सूनी हो चुकी गोद के लिए, मां के आंसुओं के लिए, उसके करुण विलाप के लिए संघ सरकार से प्रायश्चित मांग रहा है। वो सरकार से बेहद खफा है, नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि अपनी ही सरकार को प्रायश्चित का रास्ता बताया जा रहा है। सीएम योगी की संवेदना पर भी संघ सवाल खड़ा कर रहा है। संघ को सरकार के मंत्रियों की संवेदना पर भी शक है। सरकार से उसकी नाराजगी अब इतनी सरेआम हो गई है कि फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी इसे पढ़ा जा सकता है। एक साथ 64 मासूमों की लाशें जब एक अस्पताल से निकली तो पूरा देश रो पड़ा था। सिर्फ योगी सरकार ही सवालों के घेरे में नहीं थी, बल्कि घर घर जाकर जिस संघ ने सरकार बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, उसे भी लोगों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेने की जगह सीएम योगी और उनके मंत्री पूरे हादसे को ही आंकड़े का कफन पहनाने की कोशिश करने लगे। सरकार की सफाई संघ को रास न आई। अवध प्रांत के संघ चालक प्रभु नारायण ने अपने फेसबुक वॉल पर सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए लिखा है कि मुझे इस घटना के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा व्यक्त विचारों ने दुख दिया। ये ठीक है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी है, किंतु जो आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए वह उचित प्रतीत नहीं होता। चाहे दोषी कोई भी हो, सरकार इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। इसके लिए पूरे मंत्रिमंडल सहित भाजपा संगठन को प्रायश्चित करना चाहिए। वे चाहे तो एक दिन प्रायश्चित दिवस भी मना सकते हैं। सिर्फ विरोध दिवस या शौर्य दिवस ही मनाते हैं नेता, फिर इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रायश्चित दिवस क्यों नहीं? अवध प्रांत के संघ चालक की बातें सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उनकी बातों से संघ की नाराजगी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन जब अपने ही सरकार पर सवाल खड़े करने लगे तो विरोधियों को साग पर हाथ सेकने का मौका मिल ही जाता है। जब जब गोरखपुर में इसकी घटना होती थी तो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबके खिलाफ कुछ न कुछ बोलते थे। आज समय आ गया है जब वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि उस समय वो इस्तीफा मांगते थे तो उनका इस्तीफा आज क्यों ना लिया जाए। दूसरी बात, इतने बड़े नरसंहार को जो आरएसएस खुद मान रही है और प्रायश्चित करने की बात कह रही है, तो उस प्रायश्चित का सबसे अच्छा तरीका है कि श्री आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो मुद्दा विहीन दल हो गया है, उसके पास जब ऐसे विषयों पर संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए तो वो इसको राजनीतिक हथियार के रूप में लेते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि किसी की भी मृत्यु हो वो बहुत दुखद होती है, उसको बचाया जाना चाहिए और बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो राजनीति करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी को, कम से कम इस समय वहाँ पर वो भी अपना कैंप लगा के कुछ लोगों की मदद करें, आगे आए। क्या संघ को सचमुच 64 बच्चों की चिंता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि हादसे के बाद सरकार के रवैये ने संघ को नाराजगी जताने पर मजबूर कर दिया। सरकार इस हादसे को भले ही अपनी चूक ना माने, लेकिन जांच रिपोर्ट उसे गुनहगार मानती है। अब देखना ये होगा कि पार्टी और सरकार दोनों इस मुद्दे पर क्या प्रायश्चित करने को तैयार होंगे। कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ। आज राजनीति में योगी के एक ऐसे मंत्री की कहानी जो आदत से लाचार हैं, वो कानून को अपने कदमों में रखते हैं। पीएम और सीएम का आदेश
ठेंगे पर रखते हैं। लोग उन्हें वीआईपी कल्चर का स्वामी भी कहते हैं। आदत से लाचार है सीएम योगी का एक मंत्री। पीएम और सीएम के आदेश को मानता है मजाक। वीआईपी कल्चर के स्वामी है स्वामी प्रसाद मौर्य। वीआईपी कल्चर खत्म हो गया पर मंत्री जी अब भी उस खुमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे। सर पर सत्ता का भूत ऐसे सवार है कि कभी लाल बत्ती में निकल जाते हैं और कभी काली फिल्म लगाकर। सड़कों पर सरपट दौड़ते काफिले से अगर किसी वीआईपी के गुजरने का एहसास ना हो तो बेकार है। एक दो तीन चार, ये चारों गाड़ियां वीआईपी कल्चर के स्वामी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले की है। इन गाड़ियों पर विधानसभा का पास भी चस्पा है और इनके शीशे पर काली फिल्म भी चढ़ी है। काली गाड़ी में काला शीशा, यही तो है वीआईपी पहचान। वीआईपी स्वामी के लिए कानून जूतों के नीचे। सीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हैं वीआईपी स्वामी। एक हफ्ते पहले ही गाड़ी से उतारी थी काली फिल्म, एक हफ्ते बाद काफिले की गाड़ियों पर चढ़ गई काली फिल्म। अब जरा पीछे चलिए, पिछले हफ्ते ही एक चेकिंग अभियान के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पकड़ी गई क्योंकि उनकी गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी। सीएम ने चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया था, लिहाजा मजबूरन स्वामी साहब को काली फिल्म हटवानी पड़ी। लेकिन एक हफ्ते में ही सीएम के आदेश को भूल गए स्वामी, और जब मंत्री जी भूल गए तो कानून के कारिंदे भी भूल गए। ना जाने कितनी ट्रैफिक सिग्नल से होकर गुजरी होंगी ये गाड़ियां, कितने पुलिस वालों की नजरों से होकर गुजरा होगा ये काफिला, पर मजाल जो कोई मंत्री जी को रोक कर उन्हें काफिले की गाड़ियों से काली फिल्म हटाने को कह दे। दिन था 15 अगस्त का और मंत्री जी रायबरेली के मान्यवर काशीराम महाविद्यालय के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। सूबे में गड्ढा मुक्त सड़कों की भी खुली पोल। गड्ढे में हिचकोले खाते हुए रायबरेली पहुंचे थे मंत्री, फिर भी मंत्री जी को कहीं नहीं दिखा गड्ढा। पूरी यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई और इन्हीं गड्ढा मुक्त सड़कों पर मंत्री जी का काफिला सरपट भाग रहा है। जरा देखिए तो सही, गड्ढा मुक्त सड़कों पर स्वामी के काफिले की गाड़ियां डोलती झूमती हिचकोले खाती और लड़खड़ाती आगे बढ़ रही है। सड़कों में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। लेकिन गड्ढा कहाँ है मंत्री जी से पूछिए तो आपसे पूछ डालेंगे। एक दो नहीं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। लेकिन मंत्री जी को गड्ढा नजर नहीं आता, सड़कों के साथ साथ वो अपनी कमी भी कैमरे पर रफू करने लगे। पूछने पर आंकड़ा भी बता दिया, भैया यूपी की 85% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। देखिए 85% सड़कें हमने 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर दिए थे और उसके बाद की सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान चूंकि बरसात आई थी तो कहीं कहीं वो कार्य प्रभावित हुआ है। अब जरा मंत्री जी की एक और तस्वीर देखिए, न मिट्टी छुई न हाथ गंदे हुए और मंत्री जी के नाम का पेड़ भी लग गया। कमाल के मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सत्ता का बुखार सर से उतर नहीं रहा है, मंत्री कानून को कुचल रहे हैं और आम आदमी इसके पालन के लिए डंडे खा रहा है। हालत कुछ ऐसे ही हो गई है। ऐसे मंत्रियों की वजह से सरकार की साख को नुकसान पहुंचता है और आम आदमी के भरोसे को भी। सिर्फ जपने से वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होगा, योगी जी को ऐसे मंत्रियों को सुधारना ही होगा। रोहित मिश्रा, समाचार प्लस, रायबरेली। लगता है मेरठ बीजेपी को सीएम योगी पसंद नहीं है। पार्टी के जिला दफ्तर में हर बड़े नेता की तस्वीर सजाई गई है सिवाय अपने मुख्यमंत्री के। यहाँ तक कि छुटभैये नेताओं की तस्वीर भी किसी महापुरुष की तरह लगाई गई है। आखिर मेरठ बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? मेरठ बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं होगी, योगी की तस्वीर भी लगाना नहीं चाहते नेता। मेरठ बीजेपी कार्यालय से क्यों गायब है योगी की तस्वीर? बीजेपी के कार्यालय में तस्वीरों की भरमार है, बड़ी से लेकर छोटी तस्वीर, बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक की तस्वीर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक, अमित शाह से लेकर मोदी तक, सबकी तस्वीरें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी तस्वीर है इस दफ्तर में। बस
तस्वीरों की इस भीड़ में यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा गायब है, सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा। और नेता क्या कहते हैं कि इन्हीं तस्वीरों से खूब प्रेरित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरठ बीजेपी को सीएम योगी नापसंद है। हमारे प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक है, उनका चित्र है। द्वितीय सरसंचालक गुरु जी का माधवराव सरसिवराव गोलवलकर, उनका चित्र है। मोदी जी का है, हमारे अमित शाह जी का है, अटल जी का है, और भी लगभग सभी पार्टियों के नेता हो गए, लगभग सभी आदर्श पुरुषों के चित्र। योगी यूपी के सीएम है, लेकिन यूपी के एक जिला कार्यालय से यूपी के सीएम की तस्वीर का गायब होना उनके अपमान के समान है। अपनी ही पार्टी ने यूपी के एक बड़े जिले में योगी को बेगाना कर दिया। आज हमने ये पूछ ही डाला, आखिर अपने ही कार्यालय से क्यों गायब हो गए सीएम योगी? तो जरा जनाब का जवाब भी सुनिए। सीएम साहब का क्यों नहीं है? सीएम साहब का चित्र बनने के लिए गया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि आजकल में वो आ जाएगा। मैंने चित्र बनवाया है सीएम साहब का, वो चित्र भी लगेगा ही। अच्छा, कितने महीने हो गए हैं सरकार बनने में यूपी में बीजेपी के? ये ठीक है आपकी बात, उनका चित्र होना चाहिए था जी, और मैं तो इसमें अपनी लापरवाही मानूंगा, उनका चित्र होना चाहिए। योगी से ज्यादा जरूरी छुटपैया नेता, योगी की तस्वीर को नापसंद करती है मेरठ बीजेपी। साहब, योगी जी प्रदेश के सीएम हैं, जिले के छुटपैया नेता आपको याद हैं, उनकी तस्वीर तो ऐसे सजाई गई जैसे कोई महापुरुष हो, लेकिन प्रदेश के सीएम आपको याद नहीं, इसे महज भूल भर नहीं कहा जा सकता। हम लोगों ने आज अपने सभी वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष के साथ गांधी की प्रतिमा के सामने राम धुन का पाठ किया था। उसका अर्थ था कि इन्हें सद्बुद्धि मिले। अब भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि अगर नहीं मिलती है तो इसमें कांग्रेस का तो कोई दोष है ना? ऐसा नहीं, फोटो तो मुख्यमंत्री जी का है तो सभी जगह है, और यदि कहीं एकाध जगह मान लीजिए नहीं है तो वहाँ लगवा दिया जाएगा। फोटो को लेकर हमारे यहाँ नहीं, काम को लेकर जरूर विचार होता है कि काम होना चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी का फोटो सूचना विभाग से भी और नहीं तो बीजेपी ऑफिस से भी लेकर लग सकता है, लगा दिया जाएगा। सीएम योगी पूरे देश में जाने और पहचाने जाते हैं, और तब से जाने जाते हैं जब वो सिर्फ सांसद हुआ करते थे। पूरे चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को प्रचार वाले पोस्टरों में खूब इस्तेमाल किया, लेकिन मेरठ के नेताओं को या तो योगी की तस्वीर में कोई दिलचस्पी नहीं, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। कैमरामैन सोनू चौधरी के साथ अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी भी गुमशुदा है। रायबरेली के हर नुक्कड़ पर सोनिया को ढूंढने वाली तस्वीरें लगी हैं। ये तस्वीरें सोनिया का पता पूछ रही हैं और पता बताने वाले को इनाम का ऐलान भी कर रही हैं। पोस्टर बताता है जीतने के बाद इलाके को सोनिया के दर्शन ही नहीं हुए। रायबरेली से गायब है सोनिया। 2014 के बाद से सोनिया दर्शन के इंतजार में है लोग। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी भी गायब है। उनके इलाके में नुक्कड़ पर उनको पुकारते हुए पोस्टर चस्पा है। सोनिया को ढूंढते पोस्टरों में 2014 से उन्हें लापता बताया गया है। इस पोस्टर में उन्हें ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने का भी ऐलान हुआ है। ये पोस्टर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग भी लापता वाले इस पोस्टर को देख कर हैरान है। भैया सुबह सो उठे देखे सोनिया लापता लापता, ये सब लिखा। हमारी बहू आई गई, मम्मी क्या है देखो लगा है। तुमने कहा सोनिया लापता ला, जब से सांसद हुई तब से कभी मुंह दिखाने आई ही नहीं, और जिसने लगाया बहुत अच्छा किया। सिर्फ एक जगह की बात नहीं, इलाके का चप्पा चप्पा ऐसे पोस्टरों से पटा हुआ। अमेठी में राहुल गांधी के पोस्टर वार के बाद अब रायबरेली में जो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भी पोस्टर वार शुरू हो गया और सोनिया गांधी को लापता बताया गया है। ये हमारे सामने देखिए इतने पोस्टर पूरे शहर भर में लगे हुए हैं जिसमें साफ साफ लिखा लापता लापता लापता। रायबरेली की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से लापता है, जिसके कारण सांसद द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्य इनके कार्यकाल में ठप है।
इनके व्यवहार से आम जनता ठगा व अपमानित महसूस कर रही है। रायबरेली में इनकी जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। इसी तरह का पोस्टर वार जो है अमेठी में भी लग चुका है, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में भी। उसके बाद ये रायबरेली में इस तरह के पोस्टर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब से जो सोनिया गांधी चुनाव जीती है उसके बाद से अभी तक जो है इस 2014 से लेकर अब तक में जो है सोनिया गांधी रायबरेली का मुंह नहीं देखा है। इसलिए जो पूरे शहर में इस तरह के जो है कई स्थानों पर पोस्टर वार लगे हुए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है कि सोनिया के लापता होने की वजह से उनके इलाके में होने वाले सारे कामकाज ठप है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, सोनिया की गुमशुदगी को लेकर तंज कर रही है, किसी तरह किसी दिन रायबरेली से ही कांग्रेस गायब हो जाएगी। तो हिंदू युवा वाहिनी ने पोस्टर लगाने वाले की पीठ थपथपाई। मेरी जानकारी हुई और एक आध जगह पोस्टर हमने देखे भी हैं, और जिसने भी ये पोस्टर लगाए हैं बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि वाकई में सोनिया जी जब की बात जीती 2014 में, तब से एक भी बार रायबरेली नहीं आई है। एक प्रकार से सोनिया जी ने विकास के नाम पे अंगा दिया है रायबरेली को। इधर कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दे रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है कि जो लोग लापता की बात कर रहे हैं, इनाम की राशि की बात कर रहे हैं उनको वो मेरे पास आए, मैं उन्हें बताऊंगा हमारी मैडम अध्यक्ष जी कहाँ हैं और वो उनसे जाके मिल सकते हैं। दिल्ली में वो सबसे मिलती हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने के कारण वो रायबरेली भी नहीं आ पाई। बहरहाल पोस्टर के बहाने ही सही, गायब सोनिया रायबरेली पहुंचेंगी या नहीं, इसका रायबरेली के लोगों को बेसब्री से इंतजार है।